हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। मेरा नाम संदीप है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को ऑन किलोवाट, ऑफ ग्रिड, वन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम का प्राइस बताने वाले हैं। अभी 2022 में आप ऑन किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम खरीदते हैं तो क्या प्राइस पड़ेगा, वन किलोवाट सोलर सिस्टम से कितना बिजली जनरेट हो जाता है, पैनल कौन सा खरीदना पड़ता है, कितने वाट का खरीदना पड़ता है, इन्वर्टर कौन सा खरीदें, ये सब सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम आप लोग के लिए इसी तरह वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए जल्दी से इस वीडियो को। इससे पहले हमने आप लोग को 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट, 500 वाट सोलर सिस्टम का प्राइस बताया, जो कि आप लोगों ने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। तो इसलिए दोस्तों मुझे लगा कि ये वाला जो सीरीज है आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हो, तो आप लोग के लिए दोस्तों मैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का प्राइस बता रहा हूँ। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम खरीदने के लिए दोस्तों बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला दोस्तों सोलर पैनल हो गया, सोलर इन्वर्टर हो गया, सोलर बैटरी हो गया, सोलर स्ट्रक्चर हो गया, सोलर वायर हो गया, एसी डीसी वायर उसी को बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा एमसीबी लगता है, MC4 कनेक्टर लगता है, ACDB DCDB बॉक्स लगता है, इसके अलावा लाइटिंग अरेस्टर लगता है और अर्थिंग लगता है। इसके अलावा दोस्तों आपको इंस्टॉल भी कराना पड़ेगा। मतलब 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने के लिए दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं 1 किलोवाट सोलर पैनल प्राइस के बारे में। अगर यदि आप पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी का 1 किलोवाट का सोलर पैनल खरीदते हैं तो उसका प्राइस पड़ेगा 25,000 रुपया। मोनोपार्क टेक्नोलॉजी का पैनल खरीदते हैं तो उसका प्राइस पड़ेगा 30,000 रुपया। बायफेशियल टेक्नोलॉजी का पैनल खरीदते हैं तो उसका प्राइस पड़ेगा दोस्तों 35,000 रुपया। ये बात तो हो गया दोस्तों सोलर पैनल प्राइस का। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बैटरी का प्राइस, इन्वर्टर का प्राइस, सोलर स्टैंड का प्राइस भी बता देता हूँ। अगर आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए 2 बैटरी खरीदते हैं 150 Ah का, तो उसका प्राइस पड़ेगा दोस्तों 30,000 रुपया। सोलर इन्वर्टर खरीदते हैं MPPT टेक्नोलॉजी के साथ तो उसका प्राइस पड़ेगा 10,000 रुपया, और PWM टेक्नोलॉजी के साथ खरीदेंगे तो उसका प्राइस पड़ेगा दोस्तों 8,000 रुपया। सोलर वायर, ACDB DCDB बॉक्स, MCB MC4 कनेक्टर, इस सब का जो प्राइस पड़ता है दोस्तों 5 से 6 हज़ार रुपया पड़ता है। सोलर स्ट्रक्चर का प्राइस पड़ता है 4,000 रुपया। इंस्टॉलेशन का प्राइस पड़ता है 3,000 रुपया। इसके अलावा लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग का प्राइस पड़ता है दोस्तों 10,000 रुपया। ओवरऑल प्राइस की बात करें तो 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने के लिए आपको दोस्तों 80,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने के लिए दोस्तों आपको 50 से 55 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा, और हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाने के लिए दोस्तों आपको 85 से 90 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा। सोलर पैनल में 25 ईयर्स का वारंटी मिल जाता है, परफॉर्मेंस वारंटी। सोलर बैटरी में 5 ईयर और 3 ईयर का वारंटी मिल जाता है, और सोलर इन्वर्टर में दोस्तों 2 ईयर का वारंटी मिल जाता है। बात करते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा के आप क्या क्या चीज़ चला पाएंगे, उसके अलावा दोस्तों आप कितना यूनिट बिजली बना पाएंगे पूरे साल में। तो 1 किलोवाट सोलर पैनल से दोस्तों पूरे साल में जो बिजली जनरेट होता है वो करीब 1500 यूनिट जनरेट होता है। 1 किलोवाट का अगर आप सोलर इन्वर्टर खरीदते हैं तो उस पर जो आप 800 वाट का लॉड चला पाएंगे। अगर आपको दोस्तों इससे ज़्यादा लॉड चलाना होता है तो आप 2500 VA का, 2000 VA का सोलर इन्वर्टर खरीदिए, एक किलोवाट का इन्वर्टर नहीं खरीदिए। 2 बैटरी दोस्तों आप खरीदते हैं तो वो पूरे दिन में फुल चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप डायरेक्ट सोलर पैनल से छोटा मोटा अपना घर दिन में लॉड, अपना लॉड दिन में भी चला सकते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम खरीदते दोस्तों उस पर आपको 40% तक का सब्सिडी मिल जाता है, लेकिन बहुत तामझाम करना पड़ता है दोस्तों तब सब्सिडी मिलता है। ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम में कोई सब्सिडी नहीं मिलता है। बात करते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से बैकअप के बारे में। 1 किलोवाट का अगर यदि आप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें कितना बैकअप मिलेगा। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में दोस्तों अगर आप 150 Ah का 2 बैटरी लगाते हैं तो दोनों बैटरी में टोटल पावर स्टोर होता है फुल चार्ज होने के बाद 3.5 किलोवाट। लेकिन लेड एसिड बैटरी जो होते हैं दोस्तों 100% एफिशिएंट नहीं होते हैं, उससे आपको 80% ही बैकअप मिलेगा। बात करें एक्चुअल बैकअप टाइम के बारे में तो उसमें दोस्तों आपको टोटल बैकअप करीब 2800 वाट तक का मिलेगा। अगर यदि आप उस बैटरी के ऊपर 500 वाट का लॉड चलाएंगे तो 5 से 5.5 घंटा चल जाएगा, और 400 वाट का लॉड चलाएंगे दोस्तों तो 7 से 7.5 घंटा चल जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगा के आप अपने घर में 3-4 पंखे,
10-12 LED बल्ब, TV वगैरह, नॉर्मल काम जो होता है दोस्तों बड़े आसानी से कर पाएंगे। साथ ही मिक्सर वगैरह, टुल्लू पंप वगैरह, ये सब भी बहुत आसानी से चला पाएंगे। बहुत ज़्यादा दोस्तों 1 kW सोलर सिस्टम लगा के समझ में नहीं आता है। अगर जो आपको लगता है कि हमें लगाना ही चाहिए, हमारे इधर बहुत ज़्यादा लाइट का आना जाना लगा रहता है, लाइट के बिना अपना काम नहीं हो सकता है, तो आप लगाइए, बहुत ही अच्छा है। सोलर सिस्टम हम सबको लगाना चाहिए। अभी थोड़ा महंगा दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंडेड ना कर रहा हूँ। बाद बाकी सस्ता होगा तो दोस्तों देखा जाएगा। तो सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी, सोलर स्ट्रक्चर खरीदने का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम आप लोग के लिए इसी तरह वीडियो लेकर आते रहते हैं। जल्दी मिलते किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।